लोग बात करने वाले पारस ठकराल एंड स्नेहा सचदेवा के बारे में। इन दोनों के बीच में काफी सीरियस सीन हो गया है। बेसिकली लास्ट कुछ हफ्तों से दोनों एक दूसरे के व्लॉग्स वगैरह में नहीं दिख रहे हैं एंड दोनों ही अलग अलग जगहों में रह रहे हैं। तो उनके ऑडियंस की तरफ से ऐसे स्पेकुलेशन आने लगा कि क्या इन दोनों के बीच में डिवोर्स हो गया है या फिर होने वाला है। डिवोर्स के बारे में तो नहीं पता, बट स्नेहा सचदेवा एक बहुत ही सीरियस स्टोरी अपलोड की अपने इंस्टाग्राम में, जहां पर वो बेसिकली उनके 2 साल के बच्चे से रिलेटेड डिस्प्यूट के बारे में बात की। वो चाहती है कि बच्चा उनके पास रहे एंड ऑफ कोर्स ऑन द अदर हैंड पारस चाहते हैं कि उनका बच्चा उनके पास रहे। तो इस चीज से रिलेटेड सीरियस आर्ग्यूमेंट्स हो गया एंड आप ये देख लीजिए उन्होंने स्टोरी में क्या बताया। तो गाइस मुझे अभी अभी जो है वो जान से मारने की गोली मारने की धमकी दी है और कल को मुझे अगर कुछ भी होता है तो उसका जिम्मेदार मेरा पति और उसका परिवार होगा। और क्यों धमकी दी है? क्योंकि मैंने अपने बच्चे को मांग लिया सिर्फ इसीलिए। और मैं YouTube पे कुछ भी पोस्ट नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि उन्होंने मेरा चैनल से लेके हर चीज हैक कर ली है। मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरे पास सिर्फ ये Instagram है और मुझे नहीं पता ये वीडियो कब तक रहेगी। तो मैं आपको अपनी अगली स्टोरी में दिखा रही हूँ कि उन्होंने कैसे धमकी दिया। हर चीज का प्रूफ है मेरे पास। इसके बाद पारस ठकराल भी अपने चैनल के थ्रू रिस्पॉन्ड करते हुए एक वीडियो अपलोड किए, जहां पर उन्होंने स्नेहा को मैसेज दिया, इस सिचुएशन के बारे में बात किया। आप खुद सुन लीजिए उन्होंने क्या बोला। हृदय को मांग तो रही है स्नेहा भी, और लेकिन किस क्या क्या मांग रही है? सोशल मीडिया पे डाल के चीजें, सोशल मीडिया पे चीजें करने से होगा क्या? करो हृदय का क्या होगा? मैं तो ये सोच के कुछ नहीं डालना चाहता हृदय के लिए, क्योंकि आज वो छोटा है, कल वो बड़ा होगा, जब वो 5 साल का होगा या जब वो 6 साल का होगा, 7 साल का होगा, स्कूल में जाएगा, तो कितने बच्चे आके ये बोलेंगे भाई तेरी मम्मी ने ये करा था सोशल मीडिया पे, तेरे पापा ने ये करा था सोशल मीडिया पे। वो तो भाई बड़े होने से पहले ही मेंटली इतना टॉर्चर हो जाएगा। बातें सबके पास होती है, बातें मेरे पास भी बहुत थी, लेकिन मैं कभी नहीं चाहता सोशल मीडिया पे कुछ भी डालना। रही बात पालने की, आप मांग तो रहे हो लेकिन आप पालोगे कैसे उसको, आप रखोगे कैसे? आपने पिछले 2.5 साल में सबने देखा होगा गाइस कि मेरे मम्मी पापा ने कैसे हृदय को पाला है, कैसे मम्मी पापा के पास हमेशा सोया है वो, हर चीज मम्मी पापा ने किया, सबने देखा। मैं कुछ मेरे को बताने की भी जरूरत नहीं आप लोगों की बातें। और सुनिए आगे हाथ जोड़ूंगा कि भाई और ये वीडियोस, ये सोशल मीडिया ये सब बंद कर दे। अगर तू माँ है, तू दिल से अपने बच्चे के लिए सोचती है, तू सब चीजें करती है, भाई मेरी मम्मी परेशान है, हम भी बहुत परेशान है, क्योंकि हमने रखा है भाई।